हे गाइस, पावर एंड टॉक के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ में है जावा 42 और ये जावा की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली मोटरसाइकिल है। और जावा ने इस बाइक को जो है एक नया अपडेट दे दिया है 2023 के अंदर। इस बाइक के अंदर कुछ एक चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आएंगे। तो क्या कुछ आपको इस बाइक में अब नया देखने को मिला है, साथ ही कीमत क्या बढ़ी है, कितना प्राइस के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में, सारी डिटेल मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर डिजाइन की, तो डिजाइन जो है बाइक का सिमिलर ही है, उसके अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। सेम आपको हैलोजन हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाएगा, हैलोजन पार्किंग लैंप आपको देखने को मिल जाता है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है 2023 के अंदर चेंज करने चाहिए थे कंपनी को। यहां पर अब LED इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। यसदी रोडस्टर के अंदर ऑलरेडी कंपनी LED देती है, तो सेम हेडलैम्प जो है वो यहां पर दिया जा सकता था, हालांकि कंपनी ने वो नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी ने नया कलर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम रखा गया है कॉस्मिक कार्बन, और इस कॉस्मिक कार्बन के अंदर क्या आपको खास मिलता है वो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी ब्रेकिंग वगैरह जो है वो सेम ही है बाइक के अंदर, आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS के साथ में। ये आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा जो कि 18 इंच का है, और 90x90 सेक्शन का टायर आपको मिलता है, MRF के ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं बाइक के फ्रंट में। इंजन जो है वो इस बाइक का काफ़ी खास है, अपने सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मोटरसाइकिल केवल अपने इंजन के लिए। यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो 293 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve DOHC इंजन है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 26 BHP की पावर जनरेट करके देता है, और देता है 27 Nm का पीक टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है। 6 गियर के साथ में आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिलती है, बड़ा सा रेडिएटर आपको मिल जाता है, और इस प्राइस ब्रैकेट में जहाँ पर ये बाइक आपको देखने को मिलती है, कोई और ऐसी मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलती जहाँ पर आपको इतना ज़बरदस्त पावरफुल इंजन देखने को मिले। बाकी फ्यूल टैंक वगैरह सेम ही है, 14 लीटर का टैंक है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर जावा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, और साइड पैनल के ऊपर आपको क्लासिक लीजेंड की ब्रांडिंग मिल जाती है। 42 का स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपके फुटपैक मिल जाते हैं, और इस बाइक की एक खास चीज़ हो रहा है कि इसमें आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी रियर व्हील के अंदर भी आपको डिस्क मिलेगा, ABS आपको मिलेगा, डुअल चैनल ABS के साथ में बाइक आती है। रियर में आपको 120x80 का टायर देखने को मिलता है जो कि 17 इंच का है। स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आपको रियर में देखने को मिल जाएंगे। LED टेल लैंप आपको देखने को मिलता है बाइक के अंदर, केवल यहाँ पर LED यूज़ किया गया है। बाकी ये अगर आप देखोगे तो कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में आपको ये स्टिकर देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो कॉस्मिक कार्बन रखा है कंपनी ने। ये आपको कार्बन फाइबर फिनिश टाइप देखने को मिलती है। बाकी ये ग्लोसी ग्रे टाइप का कलर आपको देखने को मिलता है, हालांकि बिल्कुल ग्रे भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट ग्रे आप कह सकते हो। सीट वगैरह जो है वो सेम ही है, सिंगल सीट यूनिट आपको देखने को मिलती है, दो लोगों के लिए ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंगल गियर स्टिक है, और एक स्पोर्टी कैरेक्टर जो है वो बाइक को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुटपैक की पोजीशन सेंटर माउंट है, बहुत ज़्यादा ना आगे है ना पीछे है, जिसकी वजह से एक स्पोर्टी फील आता है। और बाइक के अंदर आपको ये 12 इंच मिरर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी लुक जो और भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। स्विचेज़ वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो वो सेम ही है, इधर आपको ये हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है, पास है, क्लच है। क्लच के अंदर कंपनी ने चेंज किया है, अगर मैं बात करूँ पहले वाली 42 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर क्लच जो है वो काफ़ी लाइट हुआ है, तो जिन लोगों को क्लच की शिकायत थी उनको इस वाली बाइक का क्लच जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अलावा यहाँ टर्न इंडिकेटर हॉर्न आपको मिल जाता है, सिंगल पाइप हैंडल बार है, वाइड हैंडल आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से आपको ओपन चेस्ट सिटिंग पोस्चर मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव सिटिंग आपको मिलेगी। यहाँ आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, उसके नीचे ट्रिप बटन है, और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच आपको देखने को मिलता है। मीटर सेम ही आपको मिलता है जो कि राइट हैंड साइड माउंट किया गया है, और इसके अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनालॉग स्पीडोमीटर है, एनालॉग फ्यूल गेज आपको मिलता है, डिजिटल पार्ट के अंदर आपको ट्रिप मीटर और ओडोमीटर देखने को मिल जाता है। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यही आपको मिलती है, इससे ज़्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। जावा 42 के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह हाल फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इस अपडेट के साथ में आनी चाहिए थी लेकिन कंपनी ने नहीं दी है। मेजर जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो केवल कलर के अंदर किया गया है, नया कलर इस बाइक को दिया गया है। और जावा मॉडल्स के अंदर अगर आप देखते हो तो 42 सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है, इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होता है, और वहाँ पर अब ये नया कलर अपडेट भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जहाँ पर आपको मैट ब्लैक मिल जाता है, मैट रेड और मैट वाइट ऑलरेडी आपको 42 2.1 के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा
जो इसका 42 बेसिक वेरिएंट है स्पोक व्हील वाला है, वहाँ भी आपको 5 से 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसकी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो जो नॉर्मल 42 2.1 आती है जहाँ पर आपको अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक और ट्यूबलेस टायर वगैरह देखने को मिलते हैं, उसका एक शोरूम है 1,94,000 रुपीज़ और इसका एक शोरूम है 1,95,000 रुपीज़, तो उससे 1,000 रुपये और आपको एक्स्ट्रा देना है इस कॉस्मिक कार्बन कलर के लिए। बाकी कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक दिख रहा है और काफ़ी डिफरेंट भी दिख रहा है। इसके अलावा जावा ने इस बाइक के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर त्वांग एडिशन को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रखी है, बहुत जल्दी उसको लॉन्च भी किया जाएगा। हालांकि वो स्पेशल एडिशन है और उसकी 100 यूनिट ही सेल की जाएंगी और वो भी केवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही सेल होगा। बाकी ये वाला कलर जो है इसका कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है, आपको ये मिलता रहेगा और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ऑन रोड प्राइस वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं तो डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल मुझे ये बाइक मिली है जावा शोरूम गाज़ियाबाद से, और अगर आप दिल्ली NCR से गाज़ियाबाद से आपको ये बाइक चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।